नॉकआउट आइडिया कौन सा? आशीष बताइए। आज थोड़ा वायदे वाले स्टॉक से हटकर एक कैश मार्केट का स्टॉक रडार पर है, और आपने ऑफ लेट नोटिस करा होगा ऑटो इंडेक्स में लोअर लेवल से बड़ी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। उम्मीद जागरी इंडस्ट्री की हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। तो आज एक ऑटो एंसिलरी बेट रडार पर है, यह कंपनी है शिवम ऑटो टेक। यह कंपनी ट्रांसमिशन और प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है, और ढेरों प्रोडक्ट्स हैं इसके, बैलेंसर शाफ्ट, एल्यूमिनियम पिस्टल, चिसेल्स, ड्राइव शाफ्ट इत्यादि। और ट्रांसमिशन गियर्स और शाफ्ट्स के लिए इस देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, और बेहद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। दयानंद मुंजाल इन्वेस्टमेंट जो है ऑलमोस्ट 75% स्टेक ओन करते हैं, यानी कि मुंजाल परिवार जो हीरो ग्रुप का है वो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और इस कंपनी के क्लाइंटल जो है तमाम नेशनल इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प से हुई थी, पर अब उसके साथ साथ बॉश, डेंसो इंडिया, मारुति सुजुकी, वॉल्वो राइशर, यामाहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुंजाल शोवा, मित्सुबा, तमाम लंबी लिस्ट है कंपनीज की जो अब इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शुमार है। अच्छा, इस कंपनी के तीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उत्तराखंड हरिद्वार में, गुरुग्राम में बिनोला और मनेसार में। और इस कंपनी ने हाल में दो एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खड़ी करी हैं, एक कर्नाटका के बेंगलुरु के पास और दूसरी हरियाणा में रोहतक में। पर ये स्टॉक प्राइस आपने देखा होगा तगड़ा दबाव, इस साल के हाई से 80-85 के, वहां से ये ऑलमोस्ट 55-60% नीचे कामकाज कर रहा है, और 2017 में तो 100 के ऊपर ही कामकाज करता था, तो वहां से और तगड़ा मीनिंगफुल करेक्शन है। अभी करेक्शन के पीछे वजह क्या थी? एक तो ऑटो सेक्टर का ऑफलेट मूड बिगड़ा, पर इसमें करेक्शन तो सीरियस हुआ था, उसके पीछे आप लोग की स्क्रीन पर फाइनेंशियल्स आएंगे। जिस कंपनी का मुनाफा देखिएगा, पिछले दो साल FY17 और 18 में इस कंपनी ने लॉसेस क्लॉक करे, और वो लॉसेस इसीलिए हुए थे दो नए जो एडिशनल प्लांट्स आए उसका कैपिटलाइजेशन जो हुआ उसके चलते नेट लेवल पे लॉसेस क्लॉक कर रही थी। इबीटा फिर भी पॉजिटिव है, आपकी स्क्रीन पे इबीटा आंकड़े आएंगे। और इस जोन में इबीटा में जो दबाव आया था वो लार्जली इसीलिए आया था क्योंकि नए प्लांट्स खड़े हुए, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में समय लगता है, तो फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन देखने को मिला और इसीलिए दबाव था। FY18 ऑनवर्ड्स मार्जिन्स में ऑलरेडी सुधार दिखना शुरू हो चुका है, इनफैक्ट पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60-65% उछला है, तो होपफुली वो ट्रेंड अब कंटिन्यू होना शुरू होगा। और टर्नओवर के आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, अक्रॉस द बोर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट FY18 में आप देखेंगे टर्नओवर 18% के आसपास जंप करता हुआ, 17% का जंप है, और इस साल के 9 महीने के अब तक का परफॉर्मेंस और इनफैक्ट मार्च के क्वार्टर के बिक्री आंकड़े वो सब इंकरेजिंग आउटलुक की तरफ नजर डालते हैं। अच्छा, इस कंपनी के ट्रिगर्स समझिए, जो नए प्लांट आए थे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट स्पेसिफिकली कहती है कि उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट पड़ा था, पर अब कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और वाइडन होता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दूसरा स्ट्रीट में कंसर्न था हीरो मोटोकॉर्प का एक बहुत तगड़ा डिपेंडेंस जो था इस कंपनी का, ये नए प्लांट्स आने से वो डिपेंडेंस अब लगातार रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ये कंपनी बहुत जानी मानी है हीरो मोटोकॉर्प को सर्विस करने के लिए। हीरो मोटोकॉर्प का जितना गियर और शाफ्ट का रिक्वायरमेंट होता है 50-55% ये इकलौती कंपनी उसकी भरपाई करती है। और हरिद्वार प्लांट जो हीरो मोटोकॉर्प का, उसका तो सारा का सारा जितना भी गियर पार्ट्स का सप्लाई है सब शिवम ऑटोटेक की तरफ से जाता है। इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज का 70% हीरो मोटोकॉर्प से आता है, हालांकि ओवर द ईयर्स रिड्यूस होकर 70% पे आके अब खड़ा हुआ है। और हीरो मोटोकॉर्प को लेकर आपने ऑफलेट कमेंट सुने होंगे, किस तरह से स्ट्रीट अब धीरे धीरे करके बुलिश हो रही है, सारे नेगेटिव प्राइस लिंड है, तो उसका फायदा मिलना है। क्लाइंट कंसंट्रेशन जो इशू था अब वो हीरो मोटोकॉर्प और इनफैक्ट टू व्हीलर्स पे डिपेंडेंस लगातार इन नए प्लांट्स के आने के बाद रिड्यूस होना शुरू हो चुका है। और इनफैक्ट FY18 के आंकड़े अगर आप ढंग से एनालाइज करेंगे तो जो अदर देन हीरो मोटोकॉर्प कस्टमर्स हैं, डेंसो, बॉश, मारुति, वॉल्वो, आइशर, इन सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन लगातार इस कंपनी का बढ़ता चले जा रहा है। ऑटो सेक्टर में ऑप्टिमिज्म से पेसिमिज्म आया था, अब धीरे धीरे हालात सुधरना शुरू हुए, उसका फायदा मिलना चाहिए। लिक्विडिटी की क्राइसिस थी, अब वो लिक्विडिटी NBFC क्राइसिस जो धीरे धीरे खत्म हो रही है। इन्वेंट्री पाइलअप का इश्यूज थे, सब कंपनी से मैनेज कर लिया, अब हालात सुधरने की कगार पे खड़े हुए हैं। पोस्ट इलेक्शन माना जा रहा है ऑटो सेल्स पिकअप होते हुए आपको नजर आएंगे, और इनफैक्ट दोनों दिग्गज पार्टियों का मैनिफेस्टो पढ़ ले, क्लियर कट इंडिकेशन है कि टू व्हीलर की बिक्री बढ़ती हुई नजर आएगी आपको इवेंचुअली, जिस तरह से सब जेब में पैसे डालने की बात कर रहे हैं। नॉर्मल मॉनसून के होप हैं, और BS6 इंप्लीमेंटेशन से पहले वो जो प्री सेल्स है वो कहा जा रहा है इलेक्शन पीरियड के बाद आप देखते हुए नजर आएंगे। तो तमाम पॉजिटिव इस कंपनी के लिए, शिवम ऑटोटेक के लिए बहुत पिटाई हुई थी, अब इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड, इंटरेस्टिंगली प्राइस्ड नजर आती है। ऑलराइट, तो ये है वो स्टॉक का जिस पर नजर रहेगी। 13.5% के उछाल के साथ देखिए शिवम ऑटोटेक खुलने के संकेत दे रहा है।